सो आपके कैमरे में नमक है? नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए, मजाक कर रहा हूँ यार। तो यार आजकल एक नया ट्रेंड चला है कैमरे के अंदर कि पहले चलता था, पहले नॉर्मल स्क्रीन आती थी, फिर आई टिल्ट स्क्रीन, इट हेल्प्स यू, है ना, कि आप ऊपर शूटिंग कर रहे हो तो आपने ऐसे कर लिया, नीचे की शूटिंग कर रहे हो तो आपने ऐसे कर लिया कैमरा, है ना। तो ये स्क्रीन चली पड़ी, इसको बोलते हैं फ्लिपी स्क्रीन, ओके। तो फिर आजकल ट्रेंड आ गया वीलॉगिंग का, कि सेल्फी स्क्रीन है कि नहीं है। तो यार कुछ लोग अभी इसमें सेल्फी स्क्रीन नहीं है, मतलब अगर मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई कैन नॉट सी माई सेल्फ, तो उसके लिए स्क्रीन आती है जो पूरी फोल्ड हो जाती है, इस तरफ आ जाती है, या जो साइड होके इस तरफ आ जाती है, उसको बोलते हैं आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आप नया कैमरा ले लोगे, और नया कैमरा सस्ता नहीं आया। तो यार रिसेंटली मैंने एक बड़ा अच्छा एकदम फ्लॉलेस काम करता, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो चीज़ क्या है। सेम इशू मेरे निकॉन के अंदर है, निकॉन D750, सेम इसकी फ्लिपी स्क्रीन है, एंड अच्छा है ये, मतलब शूटिंग के लिए अच्छा लगता है कि आप अगर बहुत नीचे ग्राउंड लेवल में शूटिंग कर रहे हो तो आप अपनी स्क्रीन नीचे से देख सकते हो, और इसको ऊपर शूट कर रहे हो तो आप ऐसा देख सकते हो, बट ये साइड में आके आप इसको रोटेट नहीं कर सकते। तो क्या होता है, आपने इसको रोटेट कर दिया, आप अपना अपना वीडियो बना के आप अपने को देख सकते हो। तो जो नए कैमरे हैं ये उनके अंदर आ रहा है, एंड विच आर वेरी कॉस्टली। सो गाइस, हियर इज द स्टफ, इसको बोलते हैं वी लॉक फ्लिप स्क्रीन हैंड ग्रिप। अब पता नहीं हैंड ग्रिप क्या बोल रहे हैं, हॉट चिप लग जाती है, सिंपल सा कवर दे रखा है रैक्सीन का। मैंने इसको ऐसे लगा लेना है, ये आप देख सकते हैं, इसको हॉट शू पर माउंट कर देना है, दैट्स इट, और आप इसको टाइट कर लीजिए, दैट्स इट, एंड देन ऑल यू नीड टू डू इज स्विच ऑन द कैमरा। ये मैंने लगा दिया, तो अभी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि और ये मैंने स्क्रीन जैसे ही पीछे से फ्लिप करी तो आपको स्क्रीन नज़र आने लग जाती है। एंड अच्छी चीज़ ये है कि इसको चारों तरफ से कवर कर रखा है, सो दैट इसमें क्या है कि आपका बाहर की लाइट नहीं आती है, तो आप क्लियरली अपने आप को देख सकते हो। और ऐसा नहीं है, ये किसी भी कैमरे में लग सकता है, इट्स अ हॉट शू माउंट ऑन द री। गाइस, तो ये है सेटअप इसका, आप देख सकते हो जो इसकी रिक्वायरमेंट है, द स्क्रीन शुड बी फ्लिपी, 90 डिग्री पे फ्लिप हो जानी चाहिए स्क्रीन आपकी, और उसके बाद ये 90 डिग्री के एक सिंपल सा रिफ्लेक्शन के फॉर्मूले पे काम करता है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, एंड यहाँ पे 45 डिग्री पे मिरर लगा हुआ है, तो ये मिरर पे यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके सीधे डायरेक्टली सामने नजर आती है। तो ये देखो आप, सो दिस इज इट, वेरी सिंपल पीस ऑफ डिवाइस, बट यार आई मीन सच में आपके पुराने कैमरे को जिसमें फ्लिपी स्क्रीन नहीं है और आपको जरूरत है फ्लिपी स्क्रीन की, तो आपको नया कैमरा नहीं लेना है। एंड यार इसके तीनों साइड में आप देख सकते हो, ये और ये वाली साइड, ये हॉट शू माउंट दे रखे हैं, तो आप हो सकता है आप चाहोगे तो जैसे आपने ऐसे लगाया, इसके टॉप पे आप माइक लगा सकते हो, लेफ्ट पे आप अगर चाहो तो लाइट लगा सकते हो, तो यानी तीन चीज़ें इस पे आप माउंट कर सकते हो, अगर आप अपना मतलब जैसे कहते हैं ना एक लो लाइट में शूट कर रहे हैं तो आप वो काम कर सकते हो। तो ऑल इन ऑल आई मीन छोटा है, बिल्ड क्वालिटी इज़ गुड, मैं नहीं कहूँगा कि एकदम प्रीमियम क्वालिटी है, बट हाँ यार डज द जॉब। और मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि थोड़ा सा कॉस्टली है, अगर आप बोलोगे तो यार क्या 150-200 रुपये बना चाहिए, बट हाँ जो हम पैसे दे रहे हैं वो इनोवेशन के लिए दे रहे हैं, ना कि मटेरियल के लिए दे रहे हैं। तो दैट्स इट गाइस, अगर वीडियो सही लगा हो और आपको लग रहा हो कि ये हेल्पफुल है, आपके किसी काम आ सकता है, तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप खरीद सकते हैं।